बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। आज मैं नहीं कहूँगा कि आपको यार चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को ये करो। हमने तो यार अभी पता नहीं यार किस्मत कैसी है, सही पूछो तो यार पबजी बंद कर दी है। तो यार पबजी के पीछे यूट्यूब का क्या कसूर है कि आप बंद करने जा रहे हो? तुम लोगों को पता है, ठीक है मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, ये अंधिया है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने दे दिया है और वो चाहती है कि ये भी बंद करे, लेकिन देखें इससे काफ़ी लोगों का जो है रोज़गार जुड़ा हुआ है। यकीन करें अगर एक दिन इस पे वीडियो ना डाली जाए तो यूट्यूब का जो अपनी पुलिसज हैं वो इतनी सख्त हैं कि वो बंदे को बहुत पीछे ले जाती है। अब आप बैन कर देंगे तो कितने लोगों का रोज़गार चला जाएगा, यकीन करें ये बहुत जो है अजीब होने वाला है। तो फ्रेंड ये खबर सच्ची है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह अंदिया दे दिया है कि यूट्यूब को भी बैन किया जाए, और ये मतलब अब कब होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अफसोस हो रहा है कि काफ़ी लोगों के रोज़गार जुड़ी हुई हैं इससे। यार पबजी देखें, अब दो लोगों ने खुदकुशी कर ली है, तीन लोगों ने, तो इसमें सारी कौम को क्या कसूर है? आपने पबजी को बंद किया तो पबजी को जो है ना बहाल कर दें, लेकिन देखें उससे अब टिकटॉक आपने बैन कर दिया, अब आप यूट्यूब की तरफ आ गए हैं। यार देखें ये एप्लीकेशन या ये चीज़ें ना, ये इन लोगों से कुछ सीख रहे हैं इनसे, अब जो इनसे जो नहीं सीखते तो इसमें जो अच्छे लोग हैं उनका क्या कसूर है? देखें इससे काफ़ी लोगों की जो है अर्निंग जुड़ी हुई है यूट्यूब से, और काफ़ी लोगों का इनकम सोर्सेज भी है। ये बेचारे वो लोग क्या करेंगे? हम तो अभी नए नए हैं, हम ही तो अभी काफ़ी सफ़र तय करना था, तो अभी ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। बहरहाल देखें अभी काफ़ी जो है ना अपडेट्स इससे मिल जाती हैं लोगों को, जिस तरह हालात हैं, मतलब हर बंदा अपने टॉपिक के ज़रिए लोगों को आगाही कर रहा है। मतलब जो बाहरले मुल्क से आए थे कोई, उनको अपडेट्स दे रहा है कि नौकरी आपकी चली गई तो आपको क्या करना है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के अपडेट्स यहाँ से हर बंदे को मिल जाती है। हर बंदा अपने हिसाब से जो सर्च करता है यूट्यूब पे उसे हर किस्म की जो अपडेट्स मिल रही है। तो ये यूट्यूब बैन करना कोई अच्छी बात नहीं है, आप कर देंगे तो हमारा कोई इतराज़ भी नहीं है, ठीक है ना? और बहरहाल देखें जी क्या होता है, अभी तो अंधिया है, ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि इसे फलां दिन बंद करेंगे, लेकिन अब जो अंधिया दे दिया गया है तो पता है एक्शन लेने में भाई पहले केस तो हैंडल कर लें फिर इसको जो है ना हैंडल कर लीजिएगा आप। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि इसे बैन ना किया जाए, बल्कि दूसरी जो एप्लीकेशन है मतलब टिकटॉक या पबजी है तो उसे भी खोल दिया जाए ताकि इंतशार ना फैले। अब ये पबजी वाले कह रहे होंगे कि यार ये यूट्यूब अच्छी है बंद हो जाए। देखें पबजी एक गेम है और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कुछ सीखते हैं या दूसरों को कुछ सिखाते हैं, ठीक है? पबजी गेम है, जस्ट वो एक टाइम पास है, आपका टाइम जो है जस्ट मिनट के लिए पास होता है, लेकिन यहाँ से लोग रोज़ी कमाते हैं, यहाँ से लोग कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो इस तरह के मामलात हैं इस यूट्यूब पे, ठीक है? तो ये पैगाम शेयर करें ताकि यूट्यूब बैन होने से रुक जाए। और वो दोस्त जो हमारे अभी अभी यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं, देखें इस जो बीमारी ने अभी दुनिया भर में कोहराम मचाया, यकीन करें पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी हो गई है, और अभी लोगों को इस चीज़ का नहीं इलम था कि यार कोई यूट्यूब से भी इनकम होती है, तो लोगों ने जो है ना यूट्यूब को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और इस लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इस यूट्यूब को ज्वाइन किया, ठीक है? तो अब वो मतलब थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे थे और उन्हें एक उम्मीद लग गई थी कि यार हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें इससे कुछ जो है ना पैसे मिलेंगे तो हम अपना घर का सिस्टम चलाएंगे वगैरह वगैरह, मतलब जो बंदे के जहन में होती हैं बातें। तो ये मामलात हैं, तो ये यूट्यूब बैन हो गई तो देखें बहुत सारी रोज़ी का मसला बन जाएगा। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से ये अपील है कि इसको बंद ना करें, बल्कि दूसरी एप्लीकेशन को भी आप खोल दें। और ये आवाम हम में इतफाक़ नहीं है, अगर हम में इतफाक़ होता ना तो ये चीज़ें बंद भी ना होती, और अगर बंद होती तो वो सबकी राय इतफाक़ से होती। अभी कुछ लोग मतलब ये कहेंगे कि अच्छा यार हमारी पबजी बंद हो गई है ना, इस यूट्यूब का भी इलाज है कि इसे बंद होना चाहिए।
भाई हो जाएगी, हम क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बंद हो गई तो हो जाएगी ना। बहरहाल देखें जी क्या होता है। बहुत बड़ी एक ये न्यूज़ है, कुछ लोग शायद समझ रहे होंगे कि फेक न्यूज़ है। पीछे तो आया था ना, कहा था कि 50 लाख रुपए है, लेकिन वो बातें सारी फेक थी, क्योंकि ये यूट्यूब बैन की जा सकती है। मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि एक पैसे कोई नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ये अमेरिका से ऑपरेट की जा रही है, वहाँ से चलती है, मतलब इसके मालिक या ऑनर जो भी हैं वो अमेरिका या यूके यूरोप में बैठे हैं, ठीक है। तो ये इसमें किसी किस्म की कोई मतलब हमारे यहाँ कोई इसका मालिक नहीं है कि वो, हाँ यही है, मतलब अब ये बैन हो सकती है, ठीक है, बंद हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि यार पैसे दोगे तो आपका अकाउंट चलेगा, मतलब ये बातें सारी झूठ हैं, ठीक है। तो यार पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। बहरहाल यार मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना, कि मैं सोच रहा था आज 2-3 दिन पहले कि मैं YouTube पे काम करना छोड़ दूँ, ठीक है, लेकिन शायद मेरा कंप्यूटर भी ख़राब हो गया। अभी मैं बड़ी मुश्किल से इस सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूँ, और मैं उसका सोच रहा था कि उसे कैसे सेट करना है। आज एक दो वीडियो बनाई भी थी, मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करने का अपना ही मज़ा होता है, ठीक है। तो सोच रहा था कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो चैनल ग्रो हो। लेकिन अभी जैसे ये खबर सुनी, पढ़ी, इसको रीड किया, और इस तरह रीड किया कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पे पड़ा था और मैं किसी और काम से इसको उठाया, तो मेरा नेट ऑन था, तो ऊपर कुछ इनबॉक्स में जो है मैसेज आ रहे थे, तो मैंने फिर इसको रीड करना शुरू किया। जब मैंने रीड करना शुरू किया तो सारा पता चल गया कि वाकई यार ये बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि प्लीज़ यूट्यूब को बंद मत करें, ये एक इनकम सोर्सेज है। वैसे भी यूट्यूब जो पॉलिसी लॉन्च करने वाला है रिसेंटली, तो वैसे भी लोग इससे हट जाएंगे। 5,000 घंटे और 10,000 सब्सक्राइबर की पॉलिसी उसने जो है दूसरे ममालिक में लॉन्च कर दी है, करने वाला है तो पाकिस्तान में भी कर देगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में जितनी तादाद क्रिएटर्स की बढ़ी है शायद यूट्यूब की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं बढ़ी होगी। तो यूट्यूब अपने कवाबित तो जवाबित को बढ़ाना चाहता है, ताकि उसकी, क्योंकि इनकम में भी उसकी कमी आ गई है, या कंपनीज बंद हो गई हैं तो लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिया, क्योंकि एड्स के पैसे होते हैं। जब कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई हैं तो उन्होंने अपना जो पैसा है जहाँ से निकालना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से वो, अब उसने सारे जो सोर्सेज होते हैं यूट्यूब ने यहीं से पूरे करने होते हैं, अपना पैसा भी, और जो लोग पैसा लगाते हैं उनको भी देना होता है, और जो लोग वीडियो बना रहे थे उनको भी पैसा दे, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो यूट्यूब ने अपनी इस एक वीडियो से जो है ना तकसीम करने होते हैं। तो काफ़ी जो है ना इस यूट्यूब से लोगों का रोजगार व्यवस्था है, तो आप भी साथ दें, हम भी साथ देते हैं, और मिलकर इस चीज़ को अपील करते हैं कि खुदारा प्लीज़ YouTube को बैन ना करें, ये एक इनकम सोर्सेज है। आप TikTok ओपन कर दें, PUBG ओपन कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये YouTube एक इनकम सोर्सेज है, वाहिद इनकम सोर्सेज है, काफ़ी लोगों के चूल्हे जल रहे हैं इससे, पहले ज़्यादा बेरोज़गारी है। अगर आप ये बंद कर देंगे तो यकीन करें कि काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी, और अजीब अजीब जो है ना इस मुल्क का हाल हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखें, और अल्लाह से ये दुआ करें कि यूट्यूब बैन ना हो। तब तक के लिए इतना ही, मज़ीद देखते रहिए, जैसी कोई अपडेट्स हमें मिलती हैं तो हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो यही अपडेट्स है आज। आज कोई एयरलाइंस की नहीं थी, कोई वीज़ा की नहीं थी, कोई जॉब की नहीं थी, बस ये अपडेट है। अगर ये अपडेट्स पास हो जाती है तो इंशाल्लाह डेली बेस पे हम फिर मुलाकातें करेंगे दोस्तों, अगर नहीं होगी तो फिर आपका ये अल्लाह हाफिज़, हमारा ये अल्लाह हाफिज़, फिर जब बहाल होगी तो फिर मुलाकातें करेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखें कि नेक्स्ट हम जो है ना बातें करते रहें और अपने आप से मिलते रहें, आप हमसे मिलते रहें, आप हमें देखते रहें और हम आपको वीडियोस में देखते रहें। मैं तमाम पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स को ये कहता हूँ कि वो इस मैसेज को चलाएं, खुद लोगों को आगाही फराहम करें कि इस पे बात उठाएं। तमीर परदेसी भाई, तनवीर असकर भाई, शफीक जाफरी साहब और ज़ुबैर चनौटी साहब, आप सबसे गुजारिश है, सर्वाइवल मैन बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम आप करते हैं, तो आप भी जो है ना इसमें हिस्सा लें और ये आवाज़ उठाएं दोस्तों, कि ये इस ये आवाज़ ये उठानी है कि इससे इनकम सोर्सेज है, लोगों का चूल्हा जल रहा है। बस हमारा यही मुतालबा है कि ये बंद ना करें,
ये गरीब का चूल्हा जलने दें, गरीब का चूल्हा जलने दें। अल्लाह हाफ़िज़।